उत्तराखंड में पोषण अभियान के तहत अब मंत्री और अधिकारी अति कुपोषित बच्चों को गोद लेंगे। प्रदेश सरकार बच्चों को गोद लेने की योजना शुरू करने जा रही है। मंत्री और अधिकारी इन बच्चों की खुराक और दवा का खर्च उठाने के साथ ही समय समय पर इनके विषय में जानकारियां भी लेंगे। मंगलवार यानी 3 सितंबर को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पोषण अभियान की शुरुआत करेंगे। इसी दिन ये योजना भी शुरू हो जाएगी। हमने कहा बहुत सारे लोग हमारे बीच में ऐसे हो सकते हैं कि जिनकी इच्छा होती है कि हम इस काम को करें, और उसी में से ये विचार निकल कर आया। और प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया था मन की बात में कि बच्चों को गोद लेना चाहिए, और उसी नीति के तहत ये गोद लेने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। मैं समझता हूँ कि कुपोषण के लिए अगर जागरूकता हो जाए तो जागरूकता से ही कुपोषण दूर किया जा सकता है। मीडिया से बातचीत के दौरान महिला सशक्तिकरण और बाल विकास की सचिव सौजन्या ने ये बताया कि प्रदेश में 1600 अति कुपोषित बच्चे हैं, जबकि कुपोषण का शिकार बच्चों का आंकड़ा 17,000 है। अति कुपोषित बच्चे इस दायरे से बाहर निकल सके, इसके लिए गोद लेने की योजना बनाई गई। कुपोषित बच्चे अराउंड 1600 है हमारे यहाँ पे, तो उनका पूरा लिस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाया जा रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार हर व्यक्ति जो रिस्पॉन्सिबल है वो एक एक बच्चे को एडॉप्ट करेंगे, और एडॉप्ट करने के बाद उसको गोद अभियान करके कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर करेंगे, और ये देखेंगे कि वो अपना मतलब कंटिन्यूसली जो उनको फूड आइटम्स लेनी है और उनका जो पोषण होना है वो हो रहा है या नहीं, ताकि वो उससे बाहर आ जाए। लोगों को इसके बारे में जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार की जरूरत है। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं की जांच कर उन्हें भी पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से उठाया जा रहा ये कदम काफी सराहनीय है, और अगर इसे जमीनी स्तर पर अमल में लाया जाता है तो इसका सकारात्मक संदेश समाज में जाएगा और काफी हद तक कुपोषण पर कंट्रोल होने में कामयाबी भी मिलेगी। R9 TV के लिए देहरादून से प्रतीक पाठक की रिपोर्ट।